वालेकुम नाजरीन, आजाद न्यूज के साथ मैं हूं समीना। आइए देखते हैं आज की खबरें। जम्मू हीरानगर, ये वही सुअर संगीराम है जिसने एक 8 साल की बच्ची को 8-9 दिन तक रेप किया और जान से मार दिया। एक और खास बात जम्मू से, बीजेपी मिनिस्टर इसको रिलीज करो बोल के धरना दिए। आप इसे बवाल कह सकते हैं, हम इसे सवाल कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि उस बच्ची के बलात्कारियों को छोड़ दिया जाए जिन्होंने कठुआ के एक मंदिर में अपनी हवस का तिरपाल ताना था। ये कौन है, इनकी राजनीति क्या है, इसे जाने दीजिए। बस इतना याद रखिए कि ये लोग उस बच्ची के बलात्कारियों का नाम आने से परेशान है जिसे एक मंदिर के गर्भगृह में 7-7 जोड़ी जंघाओं के बीच रौंदा गया। कहानी हम बताने जा रहे हैं, उसे लिखना, उसे कहना, उसे समझाना, यातना की एक ऐसी अंधेरी गली से गुजरना है जो बार बार साहस की परीक्षा लेता है। लेकिन कई कहानियां कहनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, क्योंकि कई घटनाएं आपसे एक सभ्य समाज का बाशिंदा होने का गुरूर छीन लेती है। नर्क की यह कहानी धरती के स्वर्ग की है जिसकी हिफाजत के लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने लाखों सिपाहियों को तैनात कर रखा है। इफरात में गोला बारूद खर्च करती है सरकार। शहादत, मौतें, हत्याएं, बलात्कार उस स्वर्ग के स्थायी दृश्य हैं। लेकिन क्या बारूद बेहतर नागरिक बनाने की गारंटी है? अभी आपको इसी सवाल पर छोड़ते हैं और मिलवाते हैं उन पात्रों से जिन्होंने हमारी सभ्यता के तल्ले में पाशविकता की नाल ठोकी है। 8 साल की एक बच्ची, नाम बताना वाजिब नहीं, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। संजी राम, रिटायर्ड राजस्व अधिकारी, बच्ची से गैंग रेप का मास्टरमाइंड। संजी राम का नाबालिग भतीजा चाचा के लिए बच्ची को जंगल से उठाया, मंदिर के गर्भगृह में रेप का आरोप। विशाल जंगोत्रा, भतीजे का दूसरा दोस्त, बच्ची का बलात्कार करने मेरठ से पहुंचा। मन्नू, संजी राम के भतीजे का दोस्त, भतीजे के बाद मंदिर में रेप का आरोप। दीपक खजूरिया, विशेष जांच अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, बेहोशी में बच्ची से बलात्कार का आरोपी। प्रवेश कुमार, सहायक पुलिस इंस्पेक्टर, गैंगरेप में अपने अफसर का साथ दिया। तिलक राज, हेड कांस्टेबल, गैंगरेप के बाद सबूत मिटाने का आरोप। बातचीत बताती है कैसे 10 तारीख को पास के ही जंगलों में आसिफा अपने मवेशियों को चरा रही थी। वहां पर एक लड़के और उसके दोस्त ने, दोनों ने मिल करके उसको दबोच लिया, उसके साथ रेप किया और फिर एक हफ्ते तक आसिफा को इसी कमरे में एक चादर के ऊपर और दो दरियों के नीचे रखा गया। लगातार उसको बेहोशी की दवाई दी गई और लगातार उसके साथ रेप किया। क्या सोच रहे हैं आप? यही ना कि आगे इस कहानी को देखना बहुत भारी है, लेकिन देखना तो पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आप टीवी के दर्शक हैं और हम आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस कहानी को आखिर तक इसलिए देखिए कि आप इस देश के नागरिक हैं, इसलिए देखिए कि आप इस दुनिया के इंसान हैं। आप इस कहानी को इसलिए देखिए कि आप भी होंगे बेटियों के पिता, बेटियों की माँ या बेटियों की संतानें। हम जानते हैं आप इस कहानी से गुजरते हुए अपने भीतर बहुत कुछ दरकता हुआ महसूस करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हम इंसानियत को दरकने से बचा लें तो आप ही बताइए क्या बुरा सौदा है। आज तक फेगो ऑफ द ईयर, मोदी ने 8.5 लाख टॉयलेट बनाए हैं एक हफ्ते में। ले एक और बीजेपी का बेशरम एमएलए रेपिस्ट की सपोर्ट में बयान दे रहा, 3 बच्चों की मां को कौन गैंग रेप करेगा। बीजेपी हुकूमत में औरत की इज्जत ही खत्म हो गई, इसकी बेटी का रेप हुआ तो भी एमएलए यही कहेगा क्या? हकीकत यह है कि जो सिग्नर की घटना आप कह रहे हैं उन्नाव की, उन्नाव की ना, उसमें बिल्कुल चाहे हमारे कुलदीप सेंगर जो है वहाँ उस दिन थे भी नहीं। हकीकत उनका भाई इन्वॉल्व है, इसमें कोई मारपीट में इन्वॉल्व है। और मार पे बताइए, आप ही लोग पत्रकार हो, मेरे भाई हो, मैं तो दावे के साथ कर रहा हूँ ऐसा आरोप कभी झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। महिला उत्पीड़न और
और हरिजन उत्पीड़न के नाम पर लगता है कि पूरा समाज ही उत्पीड़ित हो जाए। अब बताए तीन 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 बच्चे की माँ के साथ कोई रेप करता है? नहीं, आप लोग भी बात करते हैं, बताइए। मैंने आप भी वैवाहिक जीवन बिता रहे होंगे, मैं भी वैवाहिक जीवन बिताता हूँ। तीन और चार बच्चों की जो माँ है उसके साथ कोई रैप करे, और जिसके पिता के साथ लाठी चल रहा है उसकी लड़की के साथ कोई रैप करे, ये मनोवैज्ञानिक आधार पर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल असत्य है। और जो भी कार्रवाई जो है होना ठीक है, उनके मारपीट की कार्रवाई उचित है, मारपीट की कार्रवाई उचित है, उसके पिता को लोगों ने मारा है, तो मारने के दंड में जो भी अपराध बनता है तैयार होना चाहिए। रेप जो होता है, मतलब जिनके बच्चे ना हो क्या उन्हीं के साथ रेप? देखिए हकीकत जनरली क्या, जब बताइए आज सवेरे भी किसी के पिता के साथ लाठी मारपीट हुआ दो दिन पहले, और उसके घर में कोई लड़की के साथ जाकर रेप करेगा? इस तरह का जो है बिल्कुल मनोवैज्ञानिक सत्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो केवल फंसाने की नियत से, क्योंकि 324 और 325 में तो आदमी तुरंत बेल होकर किया जाएगा, लेकिन महिला उत्पीड़न में जल्दी बेल होता नहीं है, इसलिए प्रायोजित ढंग से उसको जो है फंसाया गया। मेरा अपना क्या लग रहा है कि मतलब उसका संरक्षण सरकार दे रही है क्या? नहीं 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 मेरे महाराज, ऐसा दुनिया में सरकार नहीं मिलेगी। जोगी जी जब जस्टिस को समझ गए हैं, मोदी और जोगी के जमाने में उनका जब अपनी पत्नी कोई नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है, अपना कोई भाई नहीं है, तो अपना विधायक भी नहीं है। ऐसे नेताओं के जमाने में उनका विधायक भी अपना नहीं है, अपराध कोई करेगा तो दंड पाए। अलका लामा ने यह इल्जाम लगाया है कि उनके बेटी बेटा नहीं है, इसलिए वो दर्द बेटी का दर्द नहीं समझ। नहीं, वो यदि इनकार है तो ऐसा गलत करिए। ऐसा है ना कि साधुता में किसी को भी न्याय देने में आदमी हिचकता नहीं है, जिसका एक परिवार अपना नहीं होता है ना पत्रकार जी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिजा चड्ढा ने सीएम मोदी पर तंज किया और कहा कि बीजेपी वालों से बेटी बचाओ। बॉलीवुड अभिनेत्री रिचा चड्ढा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुई। दरअसल इस बार उन्होंने रेप के आरोप में घिरे उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। रिचा ने केंद्र की महत्वाकांक्षी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लेकर तंज कसा और ट्वीट किया, प्रिय सरकार कृपा करके बेटी बचाओ को बदलकर बेटी हमसे ही बचाओ कर दीजिए, आपके विधायक ही आपके नारे का मजाक बना रहे हैं, पीड़िता के पिता की जेल में हत्या कर दी गई, हिंदू होने का दावा न करें क्योंकि आप महिलाओं को देवी की नज़र से नहीं देखते हैं, ऐसे में अब इस पाखंड को बंद करें। ऋचा का सरकार पर ये तंज पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी उन्होंने लोकतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि आज राज करने का तरीका है कोई भूखा हो तो उससे कहो राष्ट्रगान गाओ, लोकतंत्र का मतलब है कि आप जो चाहें जहां चाहें और जैसे चाहें अपनी बात कह सकते हैं, इसमें सरकार आपके प्रति पूरी तरह से जवाब दे रहेगी। ऋचा ने आगे ये कहा था कि वो लेफ्ट राइट या सेंटर नहीं है, वो टैक्स भरती है और बदले में जवाबदेही चाहती है। उन्होंने लोगों के डरे होने की भी बात कही थी, साथ ही याद दिलाया था कि भारत में जनतंत्र है यानी जनता का शासन। माइनर रेप केस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ऐसी साहब का बयान। मिस्टर मोदी टॉक्स अबाउट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ही प्राउडली क्लेम्स दैट ही स्टैंड्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। नाउ हियर इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ हिज हिपोक्रेसी, वेयर इन हिज ओन गवर्नमेंट शेयरिंग पावर हिज ओन पार्टी MLAs have took out a Tiranga a protest meeting with Tiranga in their hands in the support of these accused. Ma'am, active member Naeem Sahab ne diya Nawab Sahab ko jawab.